बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिजवी हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 30 मार्च 2023 है, दिन है जी थर्सडे। जुमेरात का 400 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। आपको याद होगा कि जब ऐसा कोई दिन आया इस लंबी चौड़ी जंग के दौरान, तो यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से सरप्राइज विजिट भी किए जाते रहे यूक्रेन के दारुल हुकूमत के। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मदऊ भी किया जाता रहा कि इस खास मौके पर, जैसे 100 रोज़ मुकम्मल हुए या फिर 200 रोज़ मुकम्मल हुए, 300 रोज़ या फिर एक साल मुकम्मल हुआ, तो यूक्रेन के सदर को दावतें भी मिलती हैं इस तरह के ख़ास दिनों पर कि आएँ हमारी पार्लियामान से खिताब करें, हमारी पार्लियामान को इज़्ज़त बख्शें। वहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशंस भी मिलते रहे यूक्रेन के सदर को, वहाँ पर थपकियाँ भी दी जाती रही, वादे भी किए जाते रहे कि कोई बात नहीं, मज़ीद ये जंग जारी रहेगी तो हम इसी तरह आपकी मदद इमदाद जारी रखेंगे। लेकिन आज 400 रोज मुकम्मल होने पर कोई सरप्राइज विजिट किसी भी यूक्रेन के इत्तेहादी की जानिब से नहीं किया गया। हाँ, एक मुल्क की पार्लियामान ने यूक्रेन के सदर को दावत दी कि हमारी पार्लियामान को इज़्ज़त बख्शें, वर्चुअल ख़िताब करें हमारे लीडर से, और हम आपको शाबाश देना चाहते हैं कि आप 400 रोज़ हो गए इस जंग के और आप डटे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मुख्तलिफ थी, यहाँ पर यूक्रेन के सदर को स्टैंडिंग ओवेशन तो नहीं मिला, ना ही कोई तमगा दिया गया, ना ही मदद इमदाद के वादे किए गए, बल्कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ यूक्रेन के सदर को मिल गया, जो कि मैसेज है यूक्रेन के सदर की आंखें खोलने के लिए। मेरे ख्याल में ये खिताब और ये मनाजिर काफ़ी थे, तो मनाजिर भी आपके साथ शेयर करूँगा जो आज 400 रोज़ मुकम्मल होने पर खिताब के दौरान जिस तरह के मनाजिर थे आपको दिखाऊँगा। कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मैदान जंग की, क्योंकि बखमुत के हवाले से आप में से बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो कहते हैं कि बखमुत की जो सूरत हाल है, अपडेट्स हैं, वो लाजमी शेयर किया। अगर मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया की जानिब से 60 हमले रिपोर्ट हुए हैं बखमुत के अंदर, और दूसरी साइड से यूक्रेन की साइड से 14 हमले बखमुत के अंदर रिपोर्ट हुए। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने 60 के 60 जो हमले हुए उन्हें तो नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे जो 14 हमले थे वो बड़े सक्सेसफुल थे, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया। लेकिन साथ ही यूक्रेन के ऑफिशियल ने एडमिट किया, ना सिर्फ यूक्रेन के ऑफिशियल ने बल्कि जो यूके की इंटेलिजेंस है उन्होंने भी बताया, और वॉर स्टडी जो है इदारा उसने भी बताया, इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर, उसने भी कहा कि बखमुत के अंदर जो रशिया की फोर्सेस हैं, जो वागनर के फौजी हैं, वो आगे तो बढ़ रहे हैं। और इंटेलिजेंस जो यूके की है उसने ये भी बताया कि बखमुत के अंदर, और अमेरिका के जो टॉप जनरल्स हैं उन्होंने भी बताया कि बखमुत के अंदर 6000 जो वागनर के फाइटर्स हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और ओवरऑल मैदान जंग के अंदर 30 से 36 हज़ार वागनर के जो फाइटर्स हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा रशिया की जो फोर्सेस हैं, जो चेचन फाइटर्स हैं, वो अलहदा हैं। और एक सरप्राइज़ आने वाले दिनों में जब यूक्रेन अपना काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट करेगा तो रशिया की जानिब से एक सरप्राइज़ यूक्रेन को दिया जाएगा 4 लाख रूसी फौजियों की शक्ल में, जिनकी तैयारी रशिया की जानिब से स्टार्ट कर दी गई है। ये जो टॉप जनरल हैं अमेरिका के, जनरल मार्क मिली, उन्होंने एक खुशखबरी यूक्रेन को सुनाई और साथ ये कहा कि हरी अप, अभी वक्त है कि आप अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ कर दें। तो जवाब में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बिल्कुल डटे हुए हैं हमारे फौजी, हमारे जो एलाइज हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, उनकी जानिब से मदद इमदाद हमें प्रोवाइड की जा रही है। 400 रोज़ मुकम्मल होने पर यूक्रेन के वज़ीर दिफा जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मज़ीद थोड़ी सी मदद इमदाद की हमें ज़रूरत है, हमारा काउंटर ऑफेंसिव बिल्कुल सर पर आकर खड़ा हुआ है, कुछ मज़ीद चीज़ों का हमें इंतज़ार है। चैलेंजर 2 टैंक जो यूके का है, डिप्लीटेड यूरेनियम वाला, मैं आपको बता दूं कि वो यूक्रेन को मिल चुका है। लेपर्ड 2 टैंक्स जो हैं जर्मनी के, वो भी यूक्रेन को मिल चुके हैं। लेकिन अभी भी यूक्रेन के वज़ीर दिफा कहते हैं कि हमें इंतज़ार है कुछ मज़ीद असलहे, गोले बारूद का, जैसे ही वो हमें डिलीवर कर दिया जाएगा तो फिर हम अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ कर देंगे। यही बात यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी की। यूक्रेन के सदर ने खिताब किया ऑस्ट्रिया की पार्लियामान से, और यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा एनिमी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट लूज, जो जमहूरियत का दुश्मन है उसे हारना ही होगा। यूक्रेन के सदर ने कहा, एक तो शुक्रिया अदा किया यूक्रेन के सदर ने ऑस्ट्रिया की पार्लियामान से खिताब करते हुए 400 रोज मुकम्मल होने के मौके पर यूक्रेन के सदर ने कहा कि हम आपकी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, आपकी जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है यूक्रेन के लिए, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बहुत जल्द अपने सारे इलाके रशिया से वापस लेने वाले हैं, यानी कि बहुत जल्द हम काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए इसी तरह की सपोर्ट जो आपसे हमें 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, 400 रोज़ मुकम्मल हो गए, तो आपसे हमें सपोर्ट मिल रही है। तो इसी तरह की सपोर्ट हमें चाहिए ताकि हम अपने सारे इलाके जो ब्रूटल, जो टेररिस्ट पुतिन है, उससे हम अपने सारे इलाके वापस ले सकें। अब ये खिताब यूक्रेन के सदर का चल रहा था, ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट से इकलौता खिताब था यूक्रेन के सदर का, कोई सरप्राइज विजिट भी नहीं हुआ। 400 रोज़ मुकम्मल होने पर एक ही जो ऑस्ट्रिया रह गया था जिसने मधु कर लिया यूक्रेन के सदर को, लेकिन इस खिताब के दौरान एक सरप्राइज जो यूक्रेन के सदर को मिला, ये देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट, जहाँ से यूक्रेन के सदर जब खिताब कर रहे थे, अभी आधे रास्ते में थे अपने खिताब के, तो ऑस्ट्रिया की आधी पार्लियामेंट जो है वो वॉकआउट कर गई, खाली हो गई पार्लियामेंट ऑस्ट्रिया की। और यहाँ पर इन्होंने जो नोट्स छोड़े ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इन नोट्स पर लिखा हुआ है स्पेस फॉर न्यूट्रलिटी, स्पेस फॉर पीस। अब मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्ट्रिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूरोप का कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ऑस्ट्रिया, लेकिन नेटो का मेंबर ऑस्ट्रिया नहीं है। नेटो के साथ खैर अच्छे खासे ताल्लुकात ऑस्ट्रिया के ऑब्वियसली हैं। इस जंग के दौरान ऑस्ट्रिया की जानिब से कोई असलहा, गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं किया गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है वो न्यूट्रलिटी अडॉप्ट किए हुए है। जिस तरह से स्विट्ज़रलैंड है, इसी तरह से ऑस्ट्रिया भी न्यूट्रल एक कंट्री है। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन एड की जहाँ तक बात है, या फिर मेडिकल एड की जहाँ तक बात है, या फिर डिप्लोमेटिक सपोर्ट की जहाँ तक बात है, तो ऑस्ट्रिया जो है वो यूक्रेन का साथ दे रहा है। और इसी वजह से यूक्रेन के सदर को ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट में मधु किया गया था, वर्चुअली के खिताब करें 400 रोज मुकम्मल होने पर। लेकिन यहां पर यूक्रेन के सदर को सरप्राइज मिल गया, क्योंकि बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट अपनी सीट्स खाली करके यहां से चले गए। बहुत बड़ा मैसेज यूक्रेन के सदर को मिला कि कहाँ 100वां रोज था, कहाँ 200वां रोज था, कहाँ 365वां रोज था, और कहाँ ये 400वां रोज़ है, जो ये दिखा रहा है कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके यूक्रेन की मदद, इमदाद, यूक्रेन के सदर को जो हीरो का स्टेटस दिया था जिन ममालिक ने, अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो ममालिक जो हैं वो यूक्रेन के सदर का साथ इसी तरह छोड़ कर जा रहे हैं। जिस तरह से ये जो अपोजिशन लीडर्स थे ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह से ये निकले पतली गली से, उसी तरह यूक्रेन के इत्तेहादी भी पतली गली से निकल रहे हैं। जाहिर है 400 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं इस जंग को। और चलें, रशिया की बात अलग है, रशिया के पास असलहा है, गोला बारूद है, आर्मी है, सिस्टम है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं डिफेंस की। यूक्रेन की बात अलग इस तरह से है कि जो ममालिक यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेचारे भूखों मर रहे हैं, लिटरली भूखों मर रहे हैं। उनके पास एनर्जी नहीं है, उनके ममालिक के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, वहाँ पर सिविल अनरेस्ट आ गया। लेकिन ये जंग है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। 400 रोज़ मुकम्मल हो गए और बखमुत को लेकर यूक्रेन के सदर अड़े हुए हैं अपनी ज़िद पर। लेकिन अभी भी कुछ इत्तेहादी ऐसे हैं जो यूक्रेन की मदद इमदाद से थके नहीं है। जिस तरह से अमेरिका है, अमेरिका का एक सहाफ़ी पकड़ लिया आज, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सहाफ़ी है वॉल स्ट्रीट जर्नल का सहाफ़ी है, ये 31 साल इसकी उम्र है, ये पकड़ा रशिया ने रंगे हाथों। अब कहा यह जा रहा है जो अमेरिका है या जो भी इस सहाफ़ी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो इसके स्टाफ मेंबर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो रशिया को कवर करता है और सोवियत यूनियन को, ये सहाफ़ी, और कई सालों से ये रशिया के अंदर मुकीम है। इस जंग के दौरान बहुत अच्छी रिपोर्टिंग ये बंदा कर रहा था और ये वागनर्स को कवर कर रहा था कि वागनर्स का इम्पैक्ट कैसा है मैदान जंग के अंदर। तो उस तरह की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जो है वो ये कर रहा था। लेकिन एक ऐनी शाहिद ने कहा जिससे कुछ शवाहिद ले रहा था वागनर से रिलेटेड, उसने कहा कि 2-3 रोज से बंदा गायब था और बगैर बताए गायब था, और रशिया की जानिब से ये कहा गया कि हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है बल्कि ये है जासूस, अमेरिका का जासूस है ये बंदा, और इसे जो रशिया की कोर्ट है उसने 2 महीने के लिए फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। लेकिन अगर इस पर ये चार्जेस साबित हो जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 20 साल कैद इस सहाफ़ी को सुनाई जा सकती है। मरिया जखरोवा जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान हैं, उनसे जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपसी टसल तो नहीं आप निकाल रहे अमेरिका के साथ, इस सहाफ़ी के ऊपर जो आपने एलिगेशंस लगाए हैं क्या वो दुरुस्त हैं, तो मरिया जखरोवा ने बहस ही ख़त्म कर दी। मरिया जखरोवा ने कहा कि जो भी ट्रायल होगा वो पब्लिक होगा, पब्लिक किया जाएगा इस सहाफ़ी का ट्रायल, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि अमेरिका किस तरह से इस जंग के अंदर इन्वॉल्व्ड है और यूक्रेन का साथ दे रहा है, ना सिर्फ मदद इमदाद को लेकर, ना सिर्फ सफारती तौर पर, ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाकर, यूरोप को डुबोकर, नॉर्थ स्ट्रीम की पाइपलाइंस को धमाकों से उड़ाकर, बल्कि इस तरह के सहाफ़ियों को एक जासूस का रूप देकर भी किस तरह से अमेरिका साथ दे रहा है यूक्रेन का। तो हम पब्लिक करेंगे इस सहाफ़ी का ट्रायल। अब जब सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि क्या कोई जो तबादला है कैदियों का उसके चक्कर में आपने इसे गिरफ्तार तो नहीं किया इस सहाफ़ी को, तो मरिया जखरोवा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और अभी तबादले जैसा कोई सवाल, इट्स टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन कि इसका तबादला होगा भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह के चार्जेस इस सहाफ़ी पर लगाए गए हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो खुफिया मालूमात हैं रशिया की, वो कहा जा रहा है कि सहाफ़ी खोजने में लगा हुआ था, जिसे रंगे हाथों जो रशिया की इंटेलिजेंस है उसने धर लिया। खैर अभी इस सहाफ़ी के मामले पर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो व्हाइट हाउस का स्टेट डिपार्टमेंट का रद्देअमल सामने नहीं आया। यूँ ही व्हाइट हाउस का स्टेट डिपार्टमेंट का रद्देअमल सामने आता है, मामला बहुत सीरियस है, जिसे पब्लिक किया जाएगा, जिसके ट्रायल को, तो मामला बहुत सीरियस है। ऑलरेडी बहुत सारे कैदी एक दूसरे के पास हैं रशिया और अमेरिका के, जिनके तबादले की बातें की जा रही हैं। अभी G20 जो फॉरेन मिनिस्टर समिट हुआ था भारत के अंदर, तो वहां पर एंटनी ब्लिंकन और सर्गेई लावरोव जो दोनों मुमालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी एक मुख्तसर से मुलाकात हुई थी, मैंने आपको बताया था। उस मुलाकात के अंदर भी कैदियों का तबादला डिस्कस हुआ था। अभी वो बात, वो मामला तय नहीं पाए कि एक और कैदी जो है वो रशिया की कैद में आ गया अमेरिका का, जो कि एक बहुत बड़े मिशन पर था, जो मिशन पब्लिक किया जाएगा इस जो जर्नलिस्ट है इसके ट्रायल के दौरान। खैर यूं ही रद्देमल सामने आता है अमेरिका का, वो भी आपके सामने रख दूंगा। खैर ये साइड आपने देख ली। यूक्रेन के सदर को 400वें रोज़ क्या सरप्राइज़ मिला? कोई सरप्राइज्ड विजिट नहीं हुआ, कोई जो मेजर कंट्री है उसकी पार्लियामान ने यूक्रेन के सदर को मदु नहीं किया, कोई स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिले, ना ही कोई मेडल मिले, ना ही कोई वादे मिले, ना कोई इमदाद जो अमेरिका देता है, ये लो $200 मिलियन, ये लो $400 मिलियन, कोई इमदाद अमेरिका की जानिब से भी नहीं मिली। और ये मिला यूक्रेन के सदर को ऑस्ट्रिया की पार्लियामान से खिताब के बाद। और जिस तरह की मदद इमदाद यूक्रेन के इत्तेहादी अब यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इत्तेहादी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से इस तरह के जासूसी के मिशंस जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं रशिया के अंदर। और दूसरी जानिब रशिया के, मैं आपको बता दूं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हैं आमिर अब्दुल्लाहयान जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो गुज़िश्ता दिनों दौरे पर थे मॉस्को के, यहाँ पर इन्होंने सर्गेई लावरोव से मुलाकात भी की। चाइना और रशिया के दरमियान जो सिक्योरिटी का माहिदा जो चाइना के सदर के दौरे के दौरान डिस्कस हुआ था, उस पर अमल दरामद स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा भारत के, ये आपको नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे होंगे, मुलाकात की है नरेंद्र मोदी से सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल रशिया के, इन्होंने मुलाकात की। यानी कि आप इत्तेहादी चेक करें, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो बहुत मसरूफ़ हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि रशिया के सदर जा रहे हैं एक नेटो कंट्री तुर्की का दौरा करेंगे, जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल का मंथ, उसके दौरान तुर्की का दौरा करेंगे, नेटो मुल्क का दौरा करेंगे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन। और वहाँ पर एक इफ्तिताह करना है, इन्होंने बहुत बड़े एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना है, जो तुर्की के साथ मिलकर रशिया और तुर्की के दरमियान तय पाया था। तो अभी खैर डेट कन्फर्म नहीं की गई, मुख्तलिफ तारीखें आ रही हैं, 23 अप्रैल भी कहा जा रहा है, 27 अप्रैल भी कहा जा रहा है तुर्की की जानिब से। क्रेमलिन के तर्जमान ने फ़िलहाल डेट बताने से गुरेज किया, लेकिन हाँ अप्रैल के महीने में एक्सपेक्टेड है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जाएंगे तुर्की। अब तुर्की की जानिब से तुर्की के सदर तैयब एर्दोवान ने कहा कि प्रेशराइज़ ना करो मुझे, मेरे रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो हैं, जो तुम्हारे साथ ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह पर हैं, और मैं ये चाहता हूं कि एक न्यूट्रल किरदार अदा करूं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन मेरे मुल्क आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वो आएंगे, इनाग्रेशन की सेरेमनी में शिरकत भी करेंगे, इफ्तिताह भी करेंगे, और मैं इस मौके पर भी ये कोशिश करूंगा कि दोनों ममालिक को बातचीत की टेबल पर बिठाने के लिए कोई किरदार अदा करूँ। तुर्की के सदर की जानिब से एक बार फिर से अंकारा की, इस्तांबुल की ऑफर दी गई रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि मैं अभी भी तैयार हूं आप दोनों पार्टियों को बातचीत की टेबल पर बिठाने के लिए, अगर आप बैठना चाहते हैं तो मैं एक किरदार अदा कर सकता हूं एक सालिस का। लेकिन फिलहाल इस तरह के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि ये दोनों ममालिक, क्योंकि जिस बात पर फड्डा है, जिस बात पर दोनों ममालिक अड़े हुए हैं वो आपको भी मालूम है। 400 रोज़ आज हो गए जंग को, लेकिन ये जो चार इलाके हैं इन पर मामला अड़ा हुआ है। अगर इन चार इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं यूक्रेन के सदर, जो कि नहीं नजर आ रहा बल्कि वो अपने काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर बातचीत की टेबल पर ये मामला आ सकता है। अगर रशिया छोड़ने पर तैयार हो जाता है कि ठीक है मैं चार इलाके छोड़ता हूं, अपनी फौजें बाहर निकालता हूं, तो फिर ये मामला बातचीत की टेबल पर आ सकता है। इट मीन्स के मामला बातचीत की टेबल पर तो नहीं आ सकता। अब चाइना के सदर शी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान क्या गुफ्तगू होती है, फिलहाल अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस तरह की कोई गुफ्तगू रिपोर्ट नहीं हुई। अब जो ही ये गुफ्तगू रिपोर्ट होती है, दौरा अगर सक्सेसफुल रहता है, जिसके बहरहाल कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कोई जादू की झड़ी घुमा सकते हैं तो दादा को मना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि मामला जो है वो मजीद बिगाड़ की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि परसों 1 अप्रैल को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी सदारत आ रही है, जो रोटेट करती है सदारत, वो आ रही है अब रशिया के पास। रशिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव जो हैं वो चेयर करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, जहां पर बहुत सारे मामला पेंडिंग हैं। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन धमाकों का मामला भी पेंडिंग है, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सबसे पहले रशिया ये मामला उठाएगा, जिसका पूरा इल्ज़ाम और सबूतों के साथ पूरी दुनिया को मालूम है कि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस किसने उड़ाई। अब रशिया के पास यूएनएससी की सदारत आएगी तो रशिया उस तकरीबकार का क्या हाल करेगा जो इन धमाकों का जिम्मेदार है, 1 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में वाजे हो जाएगा, जो कि सर्गेई लावरोव चेयर करने वाले हैं। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।